दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय, मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को देखने वाले प्यारे अभिकर्ता साथियों, ग्राहक बंधुओं, आदरणीय विकास अधिकारी महोदय, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की यह जो वीडियो है, यह वीडियो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी को लेकर। आज की यह जो प्रथम वीडियो है, इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मेडिक्लेम क्या होता है और हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है? अगर इलाज कराना हो तो इलाज के खर्चों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी लेना अच्छा होता है या हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा होता है? मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस क्या एक ही चीज है या दो अलग चीजें हैं? क्या इस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति आपके मन में आती है? तो मेरा प्रयास है एक छोटी से छोटी चीज को लेकर उसको अच्छे तरीके से, जितने अच्छे तरीके से मैं बता सकता हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो। सबसे पहले बात आती है कि मेडिक्लेम क्या है। यदि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए, उसको मेडिकल की आवश्यकता पड़ जाए, तो जैसे ही वह उस व्यक्ति को उसके घर वाले किसी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, तो तत्काल सबसे पहले एडमिशन का खर्च देना पड़ता है। जैसे ही वो व्यक्ति एडमिट हो जाता है, उसके बाद दवाइयों का खर्च, बेड के चार्ज, डॉक्टर की फीस, नर्स के चार्ज वगैरह वगैरह। यदि ऑपरेशन की स्थिति आ जाए तो जो ऑपरेशन के खर्चे आएंगे वो अलग। तो ये जो सारे खर्चे हैं, दवाइयों के खर्च हो गए, नर्स के चार्ज हो गए, डॉक्टर की फीस हो गई, बेड के चार्ज हो गए, ये जो सारे खर्च है ना, इन खर्चों का वहन मेडिक्लेम योजना के तहत होता है। अब मेडिक्लेम योजना में फायदा क्या है? मेडिक्लेम योजना लिए तो क्या बेनिफिट होगा? सपोज दैट, जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसने 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम पॉलिसी ले ली। अब यदि उस व्यक्ति की तबीयत खराब होती है या किसी भी वजह से वह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो एडमिट होने के बाद और वहां से डिस्चार्ज होने से पहले हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं, यदि वो खर्चे सपोज दैट, उदाहरण के लिए मान लीजिए 8 लाख रुपए वो खर्चे आ गए, तो बीमा 10 लाख का था, उसको अपने पास से कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 लाख रुपए का कवर मेडिक्लेम पॉलिसी करेगी। लेकिन यदि इसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, वह हॉस्पिटलाइज होता है, लेकिन अगर इसके जो खर्चे हैं वो खर्चे सपोज 12 लाख रुपए हो गए, तो ऐसी कंडीशन में इस व्यक्ति के परिवार वालों को 2 लाख रुपए अपने पास से देना होगा और 10 लाख रुपए तक का कवर जो मेडिक्लेम कंपनी है, जो बीमा मेडिक्लेम का बीमा जिस कंपनी ने किया है, वह उसको बियर कर देगा। यानी अगर संक्षेप में कहा जाए तो मेडिक्लेम पॉलिसी जितने का बीमा होता है मैक्सिमम वहां तक का कवर करती है। अब देखिए, बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस की। व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस? दोस्तों, ये चीज को आप मानेंगे, जैसे ही किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले होता क्या है कि उस व्यक्ति की इनकम बंद हो जाती है, क्योंकि वह बीमारी के कारण वह अपने जॉब में नहीं जा पाता। अब जॉब में नहीं जा पाता है तो उसका इकोनॉमिकल लॉस होता है। एक चीज आप और मानेंगे, यदि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज कर दिया, तो जिस दिन डिस्चार्ज कर दिया, अगर तबीयत उसकी ज्यादा सीरियस थी, तो इमीडिएट वो तुरंत का तुरंत वह अपने धंधे पर नहीं लौट पाता है। व्यवहारिकता तौर पर अगर देखा जाए तो उस व्यक्ति के रिश्तेदार, उसके पास पड़ोसी उससे मिलने आते हैं, मिलने आते हैं तो वहां खर्च और ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर बोलता है कि इनको दूध, फल इत्यादि की का इनको ध्यान देना होगा, ये देना होगा। यानी हम यह कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की बीमारी के बाद जब वह डिस्चार्ज होकर घर आता है, तो घर आने के बाद उसकी पहला तो इकोनॉमिकल हास हुआ यह कि उसकी जो इनकम थी वो इनकम बंद हो गई। दूसरा चीज यह कि डॉक्टर ने पहले से ज्यादा
उसको पौष्टिक आहार देने के लिए दूध दही घी इत्यादि देने के लिए डॉक्टर ने बोला है उसकी सेहत के अनुसार, तो पहले से खर्च भी उसके ज्यादा है। तो अब इसको इस चीज की जो कवर है, इकोनॉमिकल जो कस्टमर का नुकसान हो रहा है, इस नुकसान का कवर हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत किया जाता है। अब हेल्थ इंश्योरेंस की बेनिफिट क्या है कि आप जितने दिन एडमिट रहते हैं उतने दिन के एडमिट होने के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाता है। यानी यह कह सकते हैं कि मेडिक्लेम पॉलिसी में जितने का बीमा होगा उतने का रिटर्न किया जाएगा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में आप जितने दिन एडमिट हुए हैं उसके हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। कैन बी पॉसिबल, हो सकता है कंफ्यूजन की स्थिति हो, तो आगे की जो वीडियो होगी ना उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। जब एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता चलूंगा तो यह क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना मान के चलिए कि हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम में क्या कवर होता है। अब बात आती है कि मेडिक्लेम कौन करता है और हेल्थ इंश्योरेंस कौन करता है। तो मेडिक्लेम अगर पॉलिसी लेनी होती है तो जनरली तौर पर मेडिक्लेम पॉलिसी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती है, जनरल बीमा की कंपनियां होती हैं, वह मेडिक्लेम पॉलिसियां करती हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस की जो योजना है वह लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनियां होती हैं वह जो है हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी को करती हैं। तो हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय जीवन बीमा निगम है या हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी को करता है। और हेल्थ इंश्योरेंस में हमारे यहाँ सबसे अच्छा प्लान है जीवन आरोग्य, बहुत ही बेहतरीन योजना है। अगली वीडियो में मैं इस जीवन आरोग्य पॉलिसी में जो वर्ड्स यूज होते हैं उनके विषय में मैं जानकारी लेकर अगले वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो छोटी सी जरूर है लेकिन इसकी जो जानकारी है आपके लिए फायदेमंद रही होगी। जैसा भी हो मैं चाहूंगा जो भी अनुभव आपने किया है इसको कमेंट बॉक्स में आप डालें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। दोस्तों आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।